नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 30 जून। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार के दो विश्वविद्यालयों में होगी 300 पदों पर बहाली। सरकार अब किसानों को सिखाएगी मछली पालन की नई तकनीक। एसटीईटी अभ्यर्थियों के हंगामे पर शिक्षा मंत्री ने दिया अपना बयान। लालू यादव के बिहार आगमन पर तेजस्वी ने दिया जवाब। सुशांत सिंह राजपूत मामले में पटना हाईकोर्ट ने अगस्त तक टाली सुनवाई। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार के दो विश्वविद्यालयों में होगी 300 पदों पर बहाली। नए विश्वविद्यालयों में नए विभाग खोलने की तैयारी हो रही है। इतना ही नहीं, बिहार के विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों में नामांकन की सीटें बढ़ने वाली है, जिसको लेकर जल्द ही कर्मचारियों के सृजित पदों पर बहाली होने वाली है। इसको लेकर शिक्षा विभाग से लेकर राजभवन तक गंभीर है और विश्वविद्यालयों से इस बाबत प्रस्ताव मांगे गए हैं, जिसके बाद ही नवनिर्मित मुंगेर विश्वविद्यालय, पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय और पूर्णिया विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर संकाय को खोलने को लेकर मिले प्रस्ताव पर शिक्षा विभाग की तरफ से सहमति मिल गई है। इतना ही नहीं, इससे संबंधित प्रस्ताव वित्त विभाग को भी भेज दिया गया है, जिसके तहत अब इन तीनों विश्वविद्यालयों में सहायक प्राध्यापक, प्राध्यापक, पुस्तकालाध्यक्ष, प्रयोगशाला सहायक, शिक्षक और तकनीकी सहायक के पद सृजन की स्वीकृति दी गई है। बिहार में कोविड 19 के मिले 200 से कम मामले। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 190 मामलों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या 1831 पर पहुंच गई। इसके साथ ही अगर हम प्रभावित जिलों की बात करें तो अररिया में 2, अरवल में 3, औरंगाबाद में 5, बेगूसराय में 7, भागलपुर में 3, भोजपुर में 2, दरभंगा में 6, ईस्ट चंपारण में 23, गया में 3, जमुई में 1, कैमूर में 2, कटिहार में 2, खगड़िया में 4, किशनगंज में 9, लखीसराय में 3, मधेपुरा में 2, मधुबनी में 6, मुंगेर में 4, मुजफ्फरपुर में 3, नालंदा में 3, नवादा में 13, पटना में 38, पूर्णिया में 10, रोहतास में 1, सहरसा में 3, समस्तीपुर में 3, सारण में 17, सिवान में 4, सुपौल में 2, वैशाली में 2, वेस्ट चंपारण में 1 मामलों की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही 3 ऐसे मामले सामने आए हैं जो दूसरे राज्यों के हैं, लेकिन इनके सैंपल बिहार के अलग अलग जिलों में कलेक्ट किए गए हैं। इसके साथ ही बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 1,351 सैंपल की जांच की गई है। वहीं 330 मरीज ठीक होकर घर वापस लौटे हैं। बिहार के सभी जिलों में आज भी जारी है अलर्ट। आईएमडी पटना की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार उत्तर पश्चिम बिहार के वेस्ट चंपारण, सिवान, ईस्ट चंपारण, गोपालगंज में कई स्थानों पर गरज के साथ बारिश होने की संभावना जताई गई है। इसके साथ ही मेघ गर्जन और आकाशीय बिजली गिरने की संभावना भी जताई गई है। उत्तर मध्य बिहार के सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली के कई स्थानों में भी बारिश का पूर्वानुमान जारी किया गया है। इसके साथ ही उत्तर पूर्व बिहार के सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया में 1 या 2 स्थान पर मेघ गर्जन के साथ आकाशीय बिजली गिरने की संभावना जताई गई। इसके साथ ही दक्षिण पश्चिम बिहार के बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, अरवल, औरंगाबाद, जहानाबाद में, साथ ही साथ दक्षिण मध्य बिहार के बेगूसराय, गया, पटना, नालंदा, नवादा, शेखपुरा, लखीसराय और दक्षिण पूर्व बिहार के बांका, भागलपुर, जमुई, कटिहार, खगड़िया, मुंगेर में बारिश के साथ साथ आकाशीय बिजली कड़कने की चेतावनी जारी की गई है। सरकार अब किसानों को सिखाएगी मछली पालन की नई तकनीक। बिहार में मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए सरकार पुरजोर कोशिश करती नजर आ रही है, जिसके तहत अब राज्य सरकार ने मछली पालन की नई तकनीक से मत्स्य किसानों को रूबरू करवाने की योजना बनाई है, जिसके तहत पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग ने इस साल 4,32,00,000 खर्च करने की स्वीकृति दे दी है। वहीं राज्य सरकार अब मत्स्य पालकों को विभिन्न जिलों में मछली पालन के क्षेत्र में हो रहे अच्छे और सफल प्रयोग को दिखाने वाली है। इसके साथ ही सरकार अपने खर्चे से किसानों को अब बताने वाली है कि अब वो कैसे नई तकनीक से मछली पालन कर अपने आय को बढ़ा सकते हैं। सरकारी सूत्रों की माने तो राज्य सरकार की यह योजना बिहार में मछली उत्पादन को बढ़ावा देने के साथ साथ किसानों की आमदनी को बढ़ावा देने के लिए है। बिहार में निर्माण करने वालों को अब देना होगा 1% का उपकर। अब बिहार में सरकारी या निजी निर्माण कार्य के दौरान निर्माण करने वालों को कार्य की पूर्वानुमानित लागत राशि का 1% हिस्सा निजी और सरकारी प्रतिष्ठानों के नियोजकों, एजेंसियों को जमा करना होगा। इसको लेकर श्रम संसाधन मंत्री जीवेश कुमार ने निर्माण कार्य में शामिल एजेंसी नियोजकों के लिए आवश्यक निर्देश जारी कर दिया है, जिसके तहत अब भवन, सड़क, पुल, नहर, नाला, बांध, जलाशय, टावर, रेलवे, हवाई अड्डा आदि से जुड़े सभी निजी और सरकारी निर्माण कार्य को अब इसके अधीन ही काम करना होगा।
सुशांत सिंह राजपूत मामले में पटना हाईकोर्ट ने अगस्त तक टाली सुनवाई। सुशांत सिंह राजपूत को गुजरे हुए एक साल से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, लेकिन अब तक सुशांत ने आखिर अपनी जान क्यों ली इस बात का कोई खुलासा नहीं हुआ है। इसी क्रम में चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने मुंबई के अंतिम वर्ष के लॉ के छात्र देवेंद्र देवताधीन दुबे के याचिका सुनवाई करते हुए पटना हाईकोर्ट में भी सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े मामलों में कोई फैसला नहीं सुनाते हुए सुनवाई को अगस्त महीने की 3 तारीख तक के लिए टाल दिया गया है। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि मामले की सुनवाई लंबित होने के दौरान भी विभागीय कार्रवाई पर किसी तरह की रोक नहीं होगी। इस याचिका में कहा गया है कि सीबीआई सुशांत के उनके मुंबई के बांद्रा स्थित फ्लैट में संदेहास्पद मौत की जांच कर रही है। एसटीईटी अभ्यर्थियों के हंगामे पर शिक्षा मंत्री ने दिया अपना बयान। बिहार में एसटीईटी की मेरिट लिस्ट के कारण सरकार को छात्रों के विरोधाभास का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें सरकार अपने ही फैसले के कारण छात्रों के निशाने पर है। यही कारण है कि हजारों की संख्या में अभ्यर्थियों ने बीते दिन शिक्षा मंत्री के घर का घेराव किया। इतना ही नहीं, छात्रों का गुट वीवीआईपी जोन तक में जा पहुंचा था, जिसके बाद पुलिस को मजबूरन लाठियां बरसानी पड़ी, जिसके बाद शिक्षा मंत्री ने भी अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि एसटीईटी अभ्यर्थियों को कुछ लोगों के द्वारा गुमराह किया जा रहा है। अभ्यर्थी किसी के बहकावे में नहीं आए, गुमराह ना हो। मैंने पहले भी कहा है कि और दोबारा साफ कह रहा हूं कि एसटीईटी अभ्यर्थियों की पात्रता हमेशा बरकरार रहेगी। एसटीईटी की परीक्षा जितने लोगों ने भी पास की है, वो सभी शिक्षक बहाली के लिए आवेदन देने के लिए हकदार हैं। वहीं मेरिट लिस्ट को लेकर शिक्षा मंत्री ने कहा कि जो मेरिट लिस्ट पहले निकाली गई थी, वो पात्रता की मेरिट लिस्ट थी, नियुक्ति की मेरिट लिस्ट नहीं थी। आज बिहारी वॉच में स्पेशल में हम बात करेंगे नागार्जुन की। वैद्यनाथ मिश्रा उर्फ नागार्जुन का जन्म बिहार के दरभंगा जिले में 30 जून 1911 को हुआ था। हालांकि उन्होंने अपना ज्यादातर समय मधुबनी जिले में ही गुजारा था। वैद्यनाथ मिश्रा को उनके कलम नाम नागार्जुन से बेहतर जाना जाता है। एक हिंदी और मैथिली कवि थे, जिन्होंने कई उपन्यास, लघु कथाएं, साहित्यिक आत्मकथाएं और यात्रा वृतांत भी लिखे हैं, और उन्हें जन कवि द पीपल्स पोएट के रूप में भी जाना जाता है। उन्हें मैथिली में आधुनिकता का सबसे प्रमुख नायक माना जाता है। उन्होंने 1930 के दशक की शुरुआत में यात्री के उपनाम से मैथिली कविताओं के साथ अपने साहित्यिक जीवन की शुरुआत की। 1930 के दशक के मध्य तक उन्होंने हिंदी में कविता लिखना शुरू कर दिया। बौद्ध धर्म ग्रंथों में गहराई से जाने की उनकी इच्छा शुरू से ही थी, इसीलिए वो केलानिया श्रीलंका में बौद्ध मठ गए, जहां वो एक बौद्ध भिक्षु बन गए। मठ में प्रवेश किया और शास्त्रों का अध्ययन किया, जैसा कि उनके गुरु राहुल साकृत्यानंद ने पहले किया था, और इसलिए उन्होंने नागार्जुन नाम लिया। बिहार में 455 क्लर्क और अन्य कर्मियों का हुआ तबादला। बिहार सरकार की तरफ से बीते दिन एक और बड़ा तबादला किया गया, जिसके तहत बिहार सरकार की तरफ से 455 क्लर्क और अन्य कर्मियों का तबादला कर दिया गया है। इसके साथ ही बीते दिन डेटा एंट्री ऑपरेटर और प्रोग्रामर का तबादला किया गया। विभाग की तरफ से जारी आदेश के मुताबिक 44 क्लर्क, 32 प्रोग्रामर और 383 डेटा एंट्री ऑपरेटर का तबादला किया गया है। विभाग ने कहा है कि यह आदेश तत्कालिक प्रभाव से लागू रहेगा, जिसकी पूरी सूची बिहार सरकार की तरफ से आधिकारिक रूप से जारी कर दी गई है। कम समय में फिट होने वाले पुलिस वालों को किया जाएगा सम्मानित। बिहार पुलिस में मोटे और हट्टे कट्टे पुलिसकर्मियों को सम्मानित करने की तैयारी हो रही है। हालांकि ऐसे पुलिसकर्मियों को एक खास टास्क दिया गया है, जिसको पूरा करने के बाद ही उन्हें सम्मानित किया जाएगा। सरकारी जानकारों की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार सरकार की यह कोशिश है कि पुलिसकर्मियों को एक बार फिर से हृष्ट पुष्ट बनाया जाए, लेकिन ऐसा तभी होगा जब सरकार कोई प्रोत्साहन उन्हें देगी। कारण है कि सरकार ने कम समय में खुद को फिट बनाने वाले पुलिसकर्मियों को सम्मानित करने का आदेश जारी किया है, जिसके तहत अब पुलिस ने सभी जिलों में तैनात पुलिस वालों के लिए पीटी परेड और खेलकूद प्रतियोगिताएं आयोजित करने का फैसला किया है, जिसमें हिस्सा लेकर यह पुलिसकर्मी अपने आप को फिट कर सके। पटना में ट्रेन से अब महिलाएं बेहिचक कर पाएंगी सफर। जब भी बात ट्रेन से सफर करने की होती है, महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा हमेशा बीच में आता रहा है। हालांकि अब पटना में महिलाओं का रेलवे सफर आसान होने वाला है, क्योंकि पूर्व मध्य रेल ने महिलाओं को भरोसा दिलाया है कि आपकी सुरक्षा अब मेरी सहेली करेगी, जिसके तहत रेलवे पुलिस बल की महिला विंग मेरी सहेली महिला यात्रियों का हालचाल जानेगी और सफर के दौरान किसी भी तरीके की परेशानी होने पर तुरंत ही उसका समाधान भी निकालेगी। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, दानापुर मंडल के पटना जंक्शन, दानापुर और पाटलिपुत्र जंक्शन पर आरपीएफ मेरी सहेली की 3 टीमें बनाई गई हैं। एक महिला सब इंस्पेक्टर के नेतृत्व में ये टीमें इन स्टेशनों पर 24 घंटे काम कर रही हैं। पटना जंक्शन, दानापुर और पाटलिपुत्र जंक्शन से चलने वाली लंबी दूरी की मेल और एक्सप्रेस विशेष यात्री ट्रेनों को उनके द्वारा नियमित रूप से एस्कॉर्ट किया जा रहा है। जम्मू में ड्रोन हमले के बाद बिहार में भी अलर्ट जारी।
जम्मू कश्मीर में हाल ही में ड्रोन से हमला होने की खबर सामने आई थी, जिसके बाद ही प्रशासन पूरे अलर्ट मोड में काम कर रही है। इसी क्रम में अब बिहार में भी अलर्ट जारी किया गया है, जिसके तहत राज्य पुलिस मुख्यालय की तरफ से पटना समेत सभी जिलों के एसपी को सतर्क कर दिया गया है। इसी क्रम में संवेदनशील जगहों पर जांच के निर्देश भी दिए गए हैं, पैनी नजर बनाए रखने को भी कहा गया है। बिहार पुलिस हेडक्वार्टर के एडीजी जितेंद्र कुमार ने यह अलर्ट जारी किया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन से हमले की खबर सामने आई थी, जिसमें एयरपोर्ट के टेक्निकल एरिया की एक इमारत की को नुकसान पहुंचाया गया था, साथ ही दो लोग घायल। 31 जुलाई तक एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना लागू करने का जारी हुआ आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने बीते दिन अपनी सुनवाई के दौरान लंबे समय से अटके पड़े एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना को लेकर अगले महीने तक की मोहलत दे दी है, जिसके तहत बीते दिन कोर्ट में न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति एम आर शाह की पीठ ने तीन कार्यकर्ताओं की याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र को 31 जुलाई तक असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के पंजीकरण के लिए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की मदद से एक पोर्टल विकसित करने को कहा है, ताकि कल्याण योजनाओं का लाभ उन्हें दिया जा सके। इसके साथ ही बीते दिन की सुनवाई के दौरान कई निर्देश पारित किए गए, जिसमें केंद्रों और राज्य के प्रवासी मजदूरों के लिए खाद्य सुरक्षा, नकदी हस्तांतरण और अन्य कल्याणकारी उपाय सुनिश्चित करने के लिए निर्देश देने का अनुरोध किया गया था। लालू यादव के बिहार आगमन पर तेजस्वी ने दिया जवाब। बीते दिन राजद की तरफ से बुलाई गई विधायक दल की बैठक में तेजस्वी यादव ने स्थापना दिवस की तैयारियां, सरकार पर हमला करने और लालू यादव के बिहार आने को लेकर बयानबाजी की, जिसके तहत उन्होंने कहा कि 5 जुलाई को राजद अपना स्थापना दिवस मना रही है। ऐसे मौके पर हमारी कोशिश है कि हम लालू यादव को व्यक्तिगत रूप से लोगों से रूबरू करवाएं। हालांकि यह तभी मुमकिन हो पाएगा जब दिल्ली में उनका इलाज कर रहे चिकित्सकों से इस बात की अनुमति मिलेगी, अन्यथा लालू यादव वर्चुअल माध्यम से ही हमारे साथ जुड़ेंगे। इसके साथ ही तेजस्वी यादव ने सभी लोगों से इस दौरान वैक्सीन लेने की अपील भी की। जदयू ने प्रशांत किशोर पर साधा निशाना। एक वक्त पर जदयू के चुनावी सलाहकार रहे प्रशांत किशोर इन दिनों जदयू को फूटी आंख नहीं भा रहे हैं। यही कारण है कि जदयू की तरफ से प्रशांत किशोर को लेकर टिप्पणियां आए दिन सुनने में मिल जाती है। इसी क्रम में जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने भी अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि प्रशांत किशोर आज तक कई लोगों को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बिठाने का सपना दिखा चुके हैं। बात जहां तक बंगाल, बिहार, मद्रास और तमिलनाडु के चुनाव की करें तो इन राज्यों में जनता ने सरकार बनाया है, किसी एक व्यक्ति ने नहीं। लोकतंत्र चलाना किसी कंपनी को चलाने जैसा नहीं है। पीके का बिहार में कोई जनाधार नहीं है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, प्रशांत किशोर ने अब तक कई पार्टियों के लिए चुनावी रणनीतिकार के रूप में काम किया हुआ है। तेजस्वी ने नीतीश सरकार को बताया भ्रष्ट और बेशर्म। शिक्षक नियुक्ति की मांग अब बिहार में राजनीतिक मुद्दा बन गई है, जिसके तहत बीते दिन अभ्यर्थियों ने शिक्षा विभाग के निर्णय के खिलाफ खूब बवाल काटा। इतना ही नहीं, गुस्साए अभ्यर्थियों से मिलने तेजस्वी यादव भी धरना स्थल पर पहुंचे थे, जिसके बाद ही तेजस्वी ने सरकार के खिलाफ भी खूब बुरा भला कहा, जिसके तहत उन्होंने कहा कि बिहार जैसे प्रदेश में जहां युवाओं की आबादी काफी ज्यादा है, वहां युवाओं के साथ इस तरह का बर्ताव काफी निंदनीय है। नीतीश कुमार से ज्यादा थका हुआ और जनता से कटा हुआ मुख्यमंत्री पूरे देश में नहीं है। युवाओं और जनता के प्रति उनका ऐसा रवैया यह साफ दर्शाता है कि उन्होंने मन बना लिया है कि अब अपना बचा हुआ जीवन बिहार को बर्बाद कर आराम से गुजारने में लगे हुए हैं। उमंग ऐप पर मिलेगी सभी योजनाओं की जानकारी। आम नागरिकों की सहूलियत के लिए समय समय पर राज्य और केंद्र सरकार की तरफ से कई योजनाओं को जारी किया जाता है, हालांकि सभी योजनाओं के बारे में सारी जानकारी आपको नहीं मिल पाती, जिसके कारण कई योजनाओं का लाभ आप नहीं उठा पाते। हालांकि अब आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उमंग ऐप की मदद से आप आसानी से किसी भी योजना के बारे में जानकारी ले सकते हैं, जिसके तहत जन केंद्रित जितनी भी योजनाओं में डीबीटी की व्यवस्था वर्तमान में बहाल की गई है, उन योजनाओं को इस उमंग ऐप पर जल्द ही जोड़ दिया जाएगा। सिटीजन केंद्रित योजनाएं उमंग ऐप पर मिलेंगी। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, बिहार सरकार की वर्तमान में ऐसी 38 योजनाएं हैं जो केंद्र सरकार से जुड़ी हुई हैं। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। भारत के विभाजन की घोषणा के बाद बंगाल और पंजाब के विभाजन के लिए बाउंड्री कमीशन के सदस्यों की घोषणा 1947 में आज के दिन की गई। रविकांत, उमाशंकर चौधरी और विमल चंद्र पांडे को 2008 में संयुक्त रूप से भारतीय ज्ञानपीठ का नवलेखन पुरस्कार आज के दिन प्रदान किया गया। भारतीय पत्रकार अनुसुद्दीन अजीज को 2008 में इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ बुक कीपर्स ने न्यू बिजनेस ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित आज के दिन किया था। भारतीय राजनीतिज्ञ तथा लोकसभा के सदस्य मुकुट बिहारी लाल भार्गव का जन्म 1903 में आज के दिन हुआ। भारतीय साहित्यकार नागार्जुन का जन्म 1911 में आज के दिन हुआ था। जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 1953 को कश्मीर में कैद के दौरान मौत हो गई थी। भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बड़े पुत्र संजय गांधी 1980 में एक विमान दुर्घटना में आज के दिन मारे गए थे।
धोनी के फेयरवेल मैच को लेकर पूर्व भारतीय सिलेक्टर ने किया खुलासा। भारतीय टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने कुछ समय पहले ही अपने संन्यास की घोषणा की थी। हालांकि क्रिकेट के मैदान में यह देखा गया कि जब भी कोई खिलाड़ी संन्यास की घोषणा करता है उनका फेयरवेल मैच खिलवाया जाता है, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी के मामले में ऐसा नहीं हुआ, जिसके बाद अब भारतीय टीम के पूर्व सिलेक्टर ने इसको लेकर अपना बयान जारी किया है। इस बाबत टीम इंडिया के पूर्व स्पिनर और सिलेक्टर रह चुके सरनदीप सिंह ने न्यूज नेशन से बात करते हुए कहा कि एमएस धोनी ने साल 2019 वनडे वर्ल्ड कप सेमीफाइनल मैच खेला था, जो उनका आखिरी मैच साबित हुआ, लेकिन वो T20 वर्ल्ड कप 2020 में हिस्सा लेना चाहते थे। उस वक्त कोविड-19 महामारी की वजह से उस वर्ल्ड कप को आगे खिसका दिया गया। इसके बाद उन्होंने अपने संन्यास की घोषणा ही कर दी थी। बाढ़ प्रभावित इलाकों में अंतिम चरण में हो सकते हैं मतदान। इन दिनों पंचायत चुनाव की गूंज सुनाई दे रही है। हालांकि पहले कोरोना और अब बाढ़ पंचायत चुनाव में बड़ी बाधा बनकर सामने आई है। हालांकि पंचायत चुनाव में बाढ़ का प्रभाव ना पड़े इसको लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है, जिसके तहत राज्य निर्वाचन आयोग बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में स्थित पंचायतों में 9वें और 10वें चरण में आम चुनाव कराने पर विचार कर रहा है। आयोग के आधिकारिक सूत्रों के अनुसार कुछ ही महीने में शुरू होने वाले पंचायत चुनाव के दौरान बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की पंचायतों से पूरी तरह पानी निकलने की संभावना बिल्कुल भी बनती नहीं दिखाई दे रही है। वहीं बाढ़ के कारण मतदाताओं की चुनाव में भागीदारी कम होगी, इसलिए अंतिम चरण में प्रभावित इलाकों में चुनाव करवाने की योजना बनाई जा रही है। IMA ने दी बिहार सरकार को तीसरी लहर को लेकर हिदायत। कोरोना के दूसरी लहर की रफ्तार भले ही धीमी हो गई हो, लेकिन तीसरी लहर की संभावना वैज्ञानिकों ने पहले ही जता दी है। इसी बीच अब IMA ने हाल ही में बिहार सरकार की संभावित तीसरी लहर को लेकर हिदायत दी है, जिसके तहत IMA ने तीसरी लहर से पहले चिकित्सकों को भी प्रशिक्षित करने पर जोर दिया है, ताकि चिकित्सक कोविड के मरीज का समय रहते उनका उपचार कर सके, उनको ठीक कर सके। IMA ने कहा है कि प्रशिक्षण का कार्यक्रम ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी माध्यम से किया जा सकेगा। अगर चिकित्सक को कोरोना के मरीजों का इलाज करने के दौरान बरतने वाली सावधानियां, सुरक्षा और ट्रीटमेंट आदि का प्रशिक्षण दे दिया जाए तो आयुष चिकित्सक कोविड के मरीजों का इलाज कर पाए। जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग पर गुलाम रसूल बलियावी ने दिया बयान। भाजपा नेताओं की मांग पर जदयू के वरिष्ठ नेता और विधान पार्षद गुलाम रसूल बलियावी ने अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर उन्होंने कहा कि देश हित में यदि कोई भी योजना आती है तो उसका हम विरोध नहीं करते हैं, लेकिन सिर्फ कानून बनाने से क्या होगा। इसके साथ ही उन्होंने तेजस्वी के NDA में टूट के बयान पर भी टिप्पणी की है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सत्ता के लिए बेचैन है और अपनी पार्टी में विधायकों की भगदड़ को रोकने के लिए इस तरीके का बयान दे रहे हैं। नीतीश कुमार पहले भी मजबूत थे और आगे भी मजबूती से काम करेंगे। भवन निर्माण विभाग और खाद्य उपभोक्ता संरक्षण विभाग में हुआ बड़ा तबादला। बीते दिन बिहार में बड़े पैमाने पर तबादला देखने को मिला। इसी क्रम में भवन निर्माण विभाग में भी बड़े स्तर पर तबादले किए गए हैं, जिसके तहत भवन निर्माण विभाग के 27 कार्यपालक अभियंता और सहायक अभियंता का तबादला कर दिया गया, जिसकी पूरी सूची विभाग की तरफ से जारी कर दी गई है। इसके साथ ही खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की तरफ से मिली जानकारी के मुताबिक 60 सप्लाई इंस्पेक्टर का तबादला किया गया, वहीं 22 खान इंस्पेक्टर का ट्रांसफर एक जिले से दूसरे जिले में किया गया है। व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज भेजने से पहले कर सकेंगे चेक। इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप जल्द ही अपने यूजर के लिए एक नए फीचर को रोल करने जा रहा है, जिसके तहत अब सभी यूजर किसी भी वॉइस मैसेज को भेजने से पहले उसको सुन सकेंगे, यानी कि आप किसी को गलत मैसेज भेजने से बच जाएंगे। WABETA इन्फो की रिपोर्ट के अनुसार व्हाट्सएप पर जल्द ही वेव फॉर्म फीचर आ सकता है, जिसके आने के बाद यूजर के पास वॉइस मैसेज भेजने से पहले रिकॉर्डिंग बंद करने और उसे सुनने का ऑप्शन होगा, जो अभी उपलब्ध नहीं है। ज्ञात हो वेब फॉर्म फीचर पहले से ही इंस्टाग्राम में मौजूद है और यह यूजर को वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करते समय रियल टाइम वॉइस वेव फॉर्म दिखाता है। जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 29 जून को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 46,160 रुपए था, वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 47,160 रुपए था। इसके साथ ही अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 68,000 रुपए था। इसके साथ ही राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 100.81 रुपए प्रति लीटर और डीजल 94.52 रुपए प्रति लीटर था। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है मुकेश शर्मा, दिव्यांशु कुमारी, शंकर मुखिया, रेखा सिंह, संजय गुप्ता, बबलू राज, प्रियंका कुमारी, राहुल कुमार, बलिंदर कुमार, शिवनाथ रजा, मुन्ना कुमार, राहुल कुमार, अरमान अंसारी, शशि रॉय, कृष्णा कुमार, नरेश राम। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू करने का फैसला राशन कार्ड धारियों के लिए कितना मददगार साबित होगा। अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।